हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पेज आप पीएचपी में कैसे बनाएंगे। ऐसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद उसी यूज़र को लॉगिन कर पाएंगे। तो ये हम इसमें हम यूज़ करेंगे पीएचपी एचटीएमएल और हमारा MySQL का डेटाबेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या एग्जाम सर्वर ऑन कर लेता हूँ। एग्जाम सर्वर हम लोग ऑन करेंगे। हम जाएंगे एच पी माई एडमिन में। ये हमारा पी एच पी माई एडमिन हो गया। अब हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे डेमो यूजर लॉग इन। ओके, डेमो यूजर लॉग इन। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक यूजर्स नाम की टेबल बनाएंगे। आईडी लेंगे 11, ऑटो इंक्रीमेंट, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इसके बाद हम इसे स्टोर कर देंगे, सेव कर देंगे। हमारा सेव हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम इसमें क्या करेंगे, एक हमारा डेटाबेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें लॉगिन और लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म की जरूरत है, जिसको मैंने एक डाउनलोड कर दिया है दोस्तों, ताकि मुझे डिज़ाइनिंग करने में टाइम बच जाए, इसलिए मैंने इसे ले लिया। और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये हमारा फॉर्म है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट में हम इसे ले जा कर के पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे डेमो लॉगिन। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसे। ठीक है, हम यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट यहाँ दिख रहा है। हम यहाँ पे कनेक्शन फाइल बनाएंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, connection.php इक्वल टू माई SQLi कनेक्ट। पहला पैरामीटर होता है हमारा होस्ट, के लोकल होस्ट। दूसरा हमारा यूजर नेम जो है के रूट। पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहेगा। और डेटाबेस हमारा है डेमो यूजर लॉगिन। हम कनेक्शन चेक करेंगे MySQLi कनेक्ट एरर नंबर। अगर ये ट्रू होता है तो हमें एरर मिलता है। लिख देंगे हम डेटाबेस कनेक्शन एरर और एग्जिट कर देंगे हम स्क्रिप्ट से। हम यहाँ पे अपनी HTML फाइल को रीनेम करेंगे और हम इसका एक्सटेंशन चेंज कर देंगे PHP में हमारे। अभी हम क्या करेंगे, टॉप पे सबसे ऊपर हम PHP का टैग लिख करके अपनी कनेक्शन की फाइल को इंक्लूड करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे कि अपना फॉर्म में फील्ड बनाएंगे, नेम है, पासवर्ड। और रजिस्ट्रेशन के लिए हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे रजिस्टर
डॉट बी एस पी, ओके। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कनेक्शन वाली फाइल क्वायर वंस कनेक्शन पी। यहाँ पे हमारा फॉर्म पोस्ट मेथड से जाएगा और यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन के लिए लिख देंगे स्क्रिप्ट रजिस्टर डॉट पी एच पी, ओके। नेम है हमारा नेम, अलग नेम इसका, तो पहले हम चेक करेंगे इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नेम एंड ईमेल पासवर्ड। तो हम भी चेक सभी फील्डों को चेक कर लेंगे कि आए सेट है या नहीं। तो उसके बाद हम उनकी वैल्यू को लेंगे, ये हमारा हो गया ईमेल, ये हमारा पासवर्ड। इसके बाद हम क्वेरी लिखेंगे, इसके बाद हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे और इसके बाद हम करेंगे इंसर्ट इनटू यूजर्स हमारा पहला कॉलम हो जाएगा नहीं। दूसरा हो जाएगा ईमेल, तीसरा हो जाएगा हमारा पासवर्ड वैल्यूज, हमारा हो जाएगा नहीं ईमेल और पासवर्ड। क्वेरी को रन करेंगे हम, और क्वेरी इज इक्वल टू माई एसक्यूएलआई क्वेरी। पहला पैरामीटर हम कनेक्शन पास करेंगे इसमें, जो कि हम यहाँ से ऑन आया है और जो हमने इसको इंक्लूड किया अपनी फाइल में, तो कनेक्शन पास हो जाएगा। उसके बाद एसक्यूएल इफ क्वेरी इज इक्वल टू ट्रू है तो हम एक मैसेज पास करेंगे सेशन के जरिए सक्सेस। सेशन यूज करने के लिए हमें ऊपर सेशन स्टार्ट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेशन लगा करके हम इसे पास करेंगे यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और हम पेज को लोकेशन इंडेक्स डॉट एच पी पर मूव कर देंगे। अगर क्वेरी सक्सेसफुल नहीं होती तो हम एक एरर पास करेंगे इसे सर में, क्यों होगा यूजर एस्ट्रेस रजिस्ट्रेशन एरर। और अगर
पर हमारा मैसेज सक्सेस नहीं होता है, ये इफ कंडीशन नहीं ट्रू होती तो हम एक यहाँ से एरर पास कर देंगे कि प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, और ये इंडेक्स डॉट पी एच पी पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे मैसेज सक्सेस मैसेज, इसके अंदर हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि इफ डॉलर इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन एरर, अगर एरर मैसेज सेशन में सेट है तो हम उसे खो करा देंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन एरर। ओके का नाम ना देने संजीव@gmail.com, 3456123456 हम सब करेंगे। तो एक मैसेज आया यूजर रजिस्ट्रेशन एरर का, क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक वैल्यू आ रखी है रजिस्ट्रेशन एरर का मैसेज आ रहा सेट है सेट और सेशन। दोस्तों इसके बाद इसको अनसेट करना भी जरूरी है, अदरवाइज ये आपका मैसेज हमेशा बना रहेगा सेशन, तो सेशन को अनसेट करना जरूरी है। इसके बाद अब आप देखेंगे तो सेशन ब्लैंक हो जाएगा। ठीक हम चेक करते हैं, हम एक और रजिस्ट्रेशन करके चेक करते हैं, एक हम सक्सेस के लिए मैसेज लगा देते हैं एक सक्सेस तो राजेश कुमार raj@gmail.com पासवर्ड बनाएंगे मैं 3456123456 पेस्ट कर देंगे, हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। देखिए हमारा यूजर सक्सेसफुल हो गया रजिस्ट्रेशन। हम दोस्तों लॉगिन फंक्शन बनाएंगे ताकि हम लॉगिन कर सकें, हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे लॉगिन प्रोसेस डॉट एच पी, यहाँ पे हम रिक्वायर वंस कनेक्शन को पास करेंगे कनेक्शन डॉट पी एच पी। दोस्तों हम चेक करेंगे कि यहाँ से जो हमारे ईमेल और पासवर्ड आ रहे हैं ये इनपुट इज इक्वल टू ईमेल, चाहिए शुड बी ईमेल एंड दिस इज पासवर्ड, और यहाँ पे फॉर्म में हो जाएगा हमारा लॉग इन प्रोसेस डॉट पी एच पी मेथड पोस्ट रहेगा हमारा। तो चेक करेंगे हम कि ये दो हमारी फील्ड सेट है या नहीं, तो नेम ईमेल पासवर्ड, तो इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल एंड इज सेट डॉलर अंडरस्कोर होस्ट
पासवर्ड अगर ये दोनों फील्ड हमारे पोस्ट सबसे सेट हैं तो हम आगे डेटा क्रिएट करेंगे। ईमेल इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल डॉलर पासवर्ड डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पासवर्ड। इस तरह हम दोनों वैल्यू ले लेंगे और चेक करेंगे क्या इस ईमेल और पासवर्ड की कोई रो है हमारी टेबल में या नहीं। तो हम इसके लिए एक एसक्यूएल लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू डॉलर ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू डॉलर पासवर्ड। अब एसक्यूएल को रन कराएंगे हम क्वेरी इक्वल टू माय एसक्यूएल आई क्वेरी। पहला पैरामीटर हमारा कनेक्शन पास होगा, दूसरा हमारा एसक्यूएल। अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे क्या क्वेरी में कोई रो आई है या नहीं। तो काउंट रोज माई एसक्यूएल आई नम रोज डॉलर क्वेरी इफ काउंट रोज काउंट में काउंट इसका टू वन। अगर एक रो है तो हमारा मतलब यूज़र है डेटाबेस पासवर्ड ईमेल और पासवर्ड मैच कर गया है। तो हम क्या करेंगे सेशन बनाएंगे यूज़र का लॉगिन सेशन। आई थिंक यूज़र ओके हम इसमें इसका ईमेल पास कर देंगे। और हम क्या करेंगे हेडर लोकेशन प्रोफाइल हम एक प्रोफाइल पेज पे इसे रिडायरेक्ट कर देंगे। एल्स क्या करेंगे इसे डॉलर अंडरस्कोर सेशन एरर मैसेज के साथ इंडेक्स वाली फाइल पे मूव करा देंगे। तो प्रेस करेंगे ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग इंडेक्स ओके। अगर सेट नहीं है ईमेल और पासवर्ड के फील्ड तो हम मैसेज पास कर देंगे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फील्ड कैन नॉट बी बैंक। ओके तो हम इसे रन करा देते हैं। बट एक चीज और है हमारे पर सेशन स्टार्ट लिखना जरूरी है अदरवाइज सेशन वर्क नहीं करेगा हमारा। तो हम क्या करते हैं कि फाइल का पेज बना लेते हैं profile.php। हम चेक करेंगे कि हमारा एक डॉलर अंडरस्कोर सेशन हम चेक करेंगे कि यूजर सेशन सेट है या नहीं। तो इस सेट अंडरस्कोर सेशन अगर ये सेशन सेट
नहीं है तो नॉट हम यूज़ करेंगे। अगर सेशन सेट नहीं है तो ये हेडर हमारा लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट जाने इंडेक्स डॉट पी एच पी। ठीक, अदरवाइज यहाँ पे वेलकम प्रिंट कर देंगे। वेलकम आगे हम इस सेशन की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ओके, तो चलिए टेस्ट करते हैं हमारा सही काम करता है कि नहीं, ये हमारा लॉगिन होता है कि नहीं। तो चलिए आते हैं लॉगिन पेज पे, हमारा ये ईमेल है और पासवर्ड। तो हमारा ईमेल है rajesh@gmail.com, 1 2 3 4 5 मैंने पेस्ट कर दिया। पासवर्ड में हम डालते हैं, पहले हम रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे मैसेज आएगा ईमेल और पासवर्ड और इस बार सही पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6। ये देखिए प्रोफाइल पे मूव किया लेकिन मुझे लगता है कुछ रह गया है। यस, प्रोफाइल डॉट पी एच पी, प्रोफाइल डॉट पी एच पी नाम नहीं है ऐसे, अगर हम इसे डॉट पी एच पी कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, आईएस 1 2 3 4 5 6 ये हमने लॉगिन नहीं हो रहा है, मतलब कि कहीं कोई कर पड़ी है। बस यहाँ पे मैं सेशन स्टार्ट लिखना भूल गया हूँ तो वर्क नहीं कर रहा, तो मैं फिर से लिखेंगे rajesh@gmail 1 2 3 4 5 6। ये हमारा काम कर गया, वेलकम राजेश। तो इस तरह दोस्तों हम लोग लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पेज बनाते हैं। आज वो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।